हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बियर्ड ऑयल के बारे में, जो हमारी बियर्ड को ग्रोथ को देने में हेल्प करती है, यानी कि मैंने पिछली वीडियोस में रिव्यू किया था उस तरह के बियर्ड ग्रोथ ऑयल का। पर दोस्तों, काफी लोग ये बोल रहे थे कि आपने बियर्ड ग्रोथ यानी कि बियर्ड को बढ़ाने के लिए कोई ऑयल तो सजेस्ट कर दिया, बट दोस्तों उसकी केयर करने के लिए एक अच्छा सा बियर्ड बॉस भी सजेस्ट कर दीजिए। तो गाइस, मैं लेकर आया हूँ उस तरह का ही बियर्ड बॉस, जो कि हमारी बियर्ड को वॉश करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस समय हमारे राजस्थान में काफी भयंकर वाली गर्मी चल रही है और टेम्परेचर लगभग 48-49 डिग्री के समथिंग चल रहा है। तो हमारे शहर में भी इतना ही टेम्परेचर चल रहा है। तो दोस्तों, मेरी बियर्ड हुई थी काफी बड़ी, तो दोस्तों मैंने उसको ट्रिम करवा लिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी बियर्ड की केयर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों की बियर्ड अब बड़ी हो चुकी है, लगभग एक महीने पहले ही मैंने बियर्ड ग्रोथ ऑयल के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बियर्ड वॉश के बारे में। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बियर्ड वॉश का काम क्या होता है। तो गाइस, ये हमारी बियर्ड को क्लीन करता है, जो हमारी बियर्ड में ड्राइनेस आ जाती है उसको दोस्तों खत्म करता है और हमारी बियर्ड के नरिशमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। और जो हमारी बियर्ड में डैंड्रफ हो जाता है उसको भी दोस्तों ये दूर करता है। और दोस्तों, आपने काफी ज्यादा प्रॉब्लम ये देखी होगी कि जब हम अपनी बियर्ड को बढ़ाते हैं तो मेरी तरह जो अपनी बियर्ड के बाल कर्ली हो जाते हैं, यानी कि गोल गोल घूमने लग जाते हैं और वहीं पर इकट्ठे होने लग जाते हैं, यानी कि स्ट्रेट नहीं रहते, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और ये बियर्ड के बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। तो गाइस, सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग को खोलकर देख लेते हैं। तो गाइस, इसकी पैकेजिंग तो एकदम सॉलिड, मतलब मस्त तरीके से की गई है। और इसकी ऊपर का डिब्बा तो ग्रीन कलर का आता है, बट इसके अंदर का डिब्बा थोड़ा सा डार्क येलो कलर में थोड़ा सा आता है। तो अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। तो गाइस, इसके अंदर एक तो नेचुरली प्लस केमिकली इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, बट दोस्तों जो नेचुरली है वो सारे नेचुरली ऑयल्स है, जो आपकी बियर्ड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप इससे अपनी बियर्ड को वॉश करें तो इसे ओनली अपनी बियर्ड पर ही अप्लाई करें, इससे फेस को वॉश करने नहीं लग जाए। अगर दोस्तों आप इसको फेस वॉश करेंगे तो शायद आपको रिएक्शन हो सकती है, और दोस्तों अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको पिंपल्स होने के चांसेस रह सकते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसका यूज कर रहे हैं और अब तो अपनी इसको ओनली बियर्ड को वॉश करने के लिए ही यूज करें और बियर्ड पर ही अप्लाई करें। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑयल यूज किए गए हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सीडर वुड ऑयल का यूज किया गया है, सोया एंड बीट प्रोटीन्स का यूज किया गया है, जो कि दोस्तों हमारी बियर्ड की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा होते हैं फायदेमंद। और दोस्तों, जैसा कि क्लेम करती है कि हमारी बियर्ड को क्लीन करता है, बियर्ड के बालों को रिपेयर करता है और स्ट्रेट नेट करता है, यानी कि दोस्तों बालों को स्ट्रेट करता है, यानी कि लंबा बिल्कुल सीधा बनाता है। जैसे मेरे बाल आप देख रहे होंगे हल्के हल्के से कर्ली कर्ली से हो जाते हैं, ये मतलब घूमने लग जाते हैं इधर ही, तो दोस्तों ये उनको लंबा बनाता है, जिससे हमारी बियर्ड बिल्कुल नई शेप में आती है, बिल्कुल वी शेप में, और वो बियर्ड तो काफी ज्यादा बेस्ट लगती है। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस, वैसे तो इस पर 200 रुपए प्राइस मेंशन की हुई है, बट दोस्तों मैंने इसको काफी ज्यादा डिस्काउंट में लगभग 150 रुपए के समथिंग इसको amazon.in से परचेस कर लिया था। तो दोस्तों, लगभग मुझे ये डिलीवरी चार्ज के समय लगभग 180-190 रुपए के समथिंग ये मिल गई थी। अगर आपको भी परचेस करनी है डिस्काउंट में तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, बात करें इसके, क्या इसको लगाते समय कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो गाइस, इसको लगाते समय मुझे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। आप दोस्तों एक बार इसका यूज करें तो पेस्ट टेस्ट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी लोगों को ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, जिससे दोस्तों काफी लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको ये कब और कैसे यूज करनी है। तो गाइस, आप एक तो मॉर्निंग में इसका जरूर यूज करें और नाइट में सोते समय इसका जरूर यूज करें। आप दो टाइम इसका यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी इच्छा के अनुसार, अगर आपकी बियर्ड मतलब सही प्रकार से ग्रो हो रही है तो आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो गाइस आप अपनी इच्छा के अनुसार इसका उतना ही यूज करें। अगर आपको इसको लगाने की मतलब ज्यादा इच्छा है, यानी कि जरूरत पड़ रही है, आपकी बियर्ड में ज्यादा मतलब गंदगी जमी हुई है, डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, तब आप इसका मतलब ज्यादा यूज करना। बट अगर आप इसका लिमिटेड यूज करोगे तो ये आपकी बियर्ड की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है, बालों की स्ट्रेटनेस में भी हेल्प करता है और क्लीन भी अच्छी तरीके से कर लेता है। तो गाइस, यही थी इस बियर्ड वॉश के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें
तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, हम तो आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। अगर दोस्तों आप किसी और वीडियो के बारे में या फिर और किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देखना चाहते हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।